सब भाई लोग कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेडमी की मोस्ट पॉपुलर नोट 13 सीरीज बहुत जल्द आने वाली है, इसके रिगार्डिंग जो वो काफी ज्यादा कुछ डिटेल्स आ रही हैं एंड ये BIS सर्टिफिकेशन साइट पर भी सर्टिफाइड हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये आने वाले एक महीने के अंदर इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। अब फाइनल जो है लुक ये निकल करके आया कि जो इंडिया के अंदर में रेडमी नोट 13 स्मार्टफोन होगा उसकी 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन आ चुकी है, जो कि आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं एंड कुछ कमियां भी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी वो भी इस स्मार्टफोन के अंदर में बताने वाला हूं। तो वीडियो मन तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने पहले आप श्री भाई से एक निवेदन है कि जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने को मिलती रहती है। अब देखिए, सबसे पहले स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको बिल्कुल फ्लैट डिजाइन मिलने वाला है, जो कि देखने में आपको कुछ इस तरह का लुक प्रोवाइड करेगा। आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से किस तरह का स्मार्टफोन रहने वाला है। डिजाइन ओब्वियसली काफी कमाल का आपको लगता है, स्मार्टफोन में बैक ग्लास डिजाइन दिया गया है तो काफी कमाल का लुक आपको देखने को मिल जाता है। बट एक कमी अभी भी इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाती है, वो स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर। डिजाइन को देखने के बाद कुछ लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। हालांकि प्रो एंड प्रो प्लस के अंदर में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। बाकी अगर आप रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स एंड ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। वो भी यहाँ पर 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन आ चुकी है इंडिया के लिए। बाकी बात करें स्मार्टफोन का डिस्प्ले की, तो यहाँ पर रेडमी का एक आइडल साइज जो कि आजकल बन चुका है इंडिया के अंदर में, वही डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर में मिलने वाला आपको 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में फ्लैट डिस्प्ले दिया जाएगा, जहां पर आपको कोर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो मे भी कहीं ना कहीं आपको एसएस को ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा अगर आप डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं रेडमी 12 के साथ में, तो यहां पर आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि एजरिया 10 इस बार यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, सेंटर पंचोल के साथ में आएगा, जहां पर आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो की काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा देगा। बाकी फ्रंट बैक डिजाइन की बात की तो इसके अंदर में आपको दोस्तों बिल्ड जो देखने को मिलेगी उसमें दोस्तों प्लास्टिक का दो फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ बैक ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा, जहां पर रेडमी की ब्रांडिंग एंड डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है। कैमरा बम्प आपको काफी तगड़ा सा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा वो होगा 100 मेगापिक्सल का एंड इसी के साथ में सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा होने वाला है, जो कि यहाँ पर आपको डेप्थ के लिए देखने को मिलने वाला है। इसके अच्छा तो ये होता कि 5 मेगापिक्सल का मैक्रो प्रोवाइड करा देते तो मे भी थोड़ा और बेटर भी हो सकता था। आप ये कह रहे हैं कि कैमरा और डिस्प्ले को लेकर के कमेंट में जरूर बताएगा। डिस्प्ले में और कैमरा में कुछ ज्यादा चीज नहीं किया गया, बट जो प्राइमरी सेंसर वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है पूरी तरह से, तो मे भी यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिल सकती है। OIS यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, तो आप इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन से नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो आजकल देखिए बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन में ज्यादातर आपको प्रोसेसर जो वो MediaTek के देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी आपको MediaTek का Dimensity 1680 जो है प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है और काफी फास्ट परफॉर्मेंस ये आपको प्रोवाइड करा देगा, काफी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। बाकी इसका जो बेस वर्जन होगा वो यहाँ पर आपको 4GB रैम प्लस 128GB स्टोर के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी और UFS की 2.2 स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। बाकी इसकी प्राइसिंग अगर बात करें तो बताया जा रहा है इंडिया के अंदर भी स्मार्टफोन जो प्लेस वेरियंट की प्राइस होगी वो होगी करीब 15,500 रुपये से 16,500 रुपये के बीच में। तो यहाँ पर कंफर्म पकड़ के मत चलिएगा, हालांकि 15,000 से कम में ये स्मार्टफोन नहीं आने वाला है, तो ये आप कंफर्म मान के चल सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है स्मार्टफोन की प्राइसिंग को लेकर के कमेंट बताएगा आपके हिसाब से स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें बैटरी वगैरह की, तो इसके अंदर में जो आपको बैटरी देखने को मिलेगी वो होगी 5000mAh की, USB टाइप सी पोर्ट के साथ में 33W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर में ही मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको स्पेक्स इसके अंदर में देखने को मिलने वाली है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे 12 स्मार्टफोन से, यानी कि रेडमी के प्रीवियस स्मार्टफोन रेडमी नोट 12 से, तो ऐसा कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कैमरा में चेंज देखने को मिलेगा और प्रोसेसर यहाँ पर बस चेंज कर दिया गया है नाम के लिए, बाकी इसके अलावा कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो देखते हैं कि इंडिया में यहाँ पर किस प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा, मे बी कम से कम प्राइस पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रेडमी ने काफी समय से कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया, तो रियलमी काफी आगे निकल चुका है, तो उस वजह से यहाँ पर कम प्राइस रेडमी को तय करनी पड़ेगी स्मार्टफोन की। चाइना मार्केट में तो काफी कम प्राइस पर लॉन्च हुआ था, इंडिया में देखना होगा किस प्राइस पाएगा।
बाकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन अगले महीने यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च किए जाएंगे इंडिया के अंदर में। अब फिलहाल तो हालांकि कोई कंफर्म लॉन्च डेट रेडमी की तरफ से नहीं आई है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर आपको कभी भी टाइम में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो उसे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।